स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसको देख के आप इसे अपने घर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे या आप खुद के लिए इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन मोबाइल या टैबलेट डिवाइस को ग्राफिक्स टैबलेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सभी लोगों को अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है और अपनी सारी क्लासेस जो है वो घर से लेनी पड़ रही है। तो कई बार कुछ टीचर्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है या कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो चाहते हैं कि उनके पास एक ग्राफिकल टैबलेट हो जिसपे वो अपने हाथ से कुछ लिखें तो कंप्यूटर स्क्रीन पे वो दिखाई दे और मीटिंग में जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी वो सामने दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक टूल के बारे में आपको बताया था जिसका नाम था इपिक पेन। जब आप उसको यूज कर रहे थे तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते थे, बट क्योंकि उस टूल को आप अपने माउस के थ्रू हैंडल कर रहे थे तो वो उतना प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा था, प्रॉपरली स्क्रीन पे नहीं लिख पा रहे थे। तो ऐसे कामों को करने के लिए मार्केट में ग्राफिकल टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं जो सिर्फ लिखने और ड्राइंग करने के काम में आते हैं। ठीक है, आप अपने हैंडराइटिंग से कुछ भी उस टैबलेट के ऊपर लिखेंगे तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसे प्रोजेक्ट कर देता है। तो कुछ उसी तरीके का आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल डिवाइस को या फिर जो कॉलिंग टैबलेट्स हमारे घर पे होते हैं, एंड्रॉइड टैबलेट्स हमारे घर पे होते हैं, हम उन्हें ग्राफिकल टैबलेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम हमारे मोबाइल को कैसे ग्राफिकल टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और जो हम मोबाइल पे लिख रहे हैं वो कंप्यूटर पे कैसे ट्रांसमिट होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे मोबाइल्स आते हैं जिनके साथ स्टाइलस आता है। स्टाइलस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप मोबाइल स्क्रीन पे एक पेन के थ्रू कुछ लिख सकते हैं, उस पेन को कहा जाता है स्टाइलस। ठीक है, वो पेन के शेप का होता है, थोड़ा छोटा होता है और मोबाइल के अंदर फिट हो जाता है और उसे आप मोबाइल के साथ कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हैं और उसकी जो टिप होती है वो बिल्कुल पेन के निब की तरह होती है जो आपको मोबाइल डिवाइस में लिखने में मदद करती है, क्योंकि आपके जो हाथ की जो उंगलियां होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। अगर हम उसे उंगलियों से कंपेयर करें तो वो थोड़ी पतली होती है, तो लिखने में वो जो स्टाइलस है वो प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, आप उस स्टाइलस से सिलेक्ट करने का काम कर सकते हैं, लिखने का काम कर सकते हैं, टच का काम कर सकते हैं, आप सारे काम उस स्टाइलस के थ्रू कर सकते हैं अपने फोन या फिर टैब डिवाइस के अंदर। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आप घर पे स्टाइलस कैसे बना सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे नहीं वेस्ट करना चाहते हैं इन सब चीजों के लिए तो आप घर पे स्टाइलस कैसे बना सकते हैं, फिर आप घर पे अपने मोबाइल फोन को एज अ ग्राफिकल टैबलेट कैसे यूज कर सकते हैं, अपने एंड्रॉइड मोबाइल को या एंड्रॉइड टैबलेट को या आईफोन मोबाइल को या आईफोन टैबलेट को ग्राफिकल टैबलेट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टाइलस कैसे बनाना है अपने घर पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने मेंशन करके रखी हैं, इनके थ्रू आप अपने घर पे स्टाइलस को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आपको एक पुराना प्लास्टिक का पेन लेना है या फिर कोई पुराना स्केच पेन लेना है। ठीक है, और आपको फेविक्विक जेल यूज करना है और आपको सिल्वर फॉइल यूज करना है जो हम खाने को रैप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि स्केच पेन की जो निब होती है वो कॉटन की होती है बट पेन की जो निब होती है वो मेटल की होती है, तो आप पेन की निब के ऊपर कॉटन को लगाने के लिए कॉटन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने मेरा जो स्टाइलस जो मैं यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में वो इन्हीं सारी चीजों का यूज करके बनाया है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो एक प्लास्टिक के पेन से बना हुआ है, उसके निब पे मैंने कॉटन लगा के और उसको मैंने सिल्वर फॉइल है उसके थ्रू रैप कर दिया है फेविक्विक जेल के थ्रू। ठीक है, तो वो उसके ऊपर एकदम प्रॉपरली फिक्स हो गया है, पेन के ऊपर वो जो सिल्वर फॉइल है वो फिक्स हो गई। अब हमने सिल्वर फॉइल का यूज इसलिए करा है क्योंकि आपके हाथों से जो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे टच करने के लिए काम आएगा, तो करंट को फ्लो करने के लिए हमने जो यहाँ पे सिल्वर फॉइल है उसे यूज करा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो आपका जो पेन है ये वर्क करने लग जाएगा एज ए स्टाइलस। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने मोबाइल डिवाइस को कैसे ग्राफिकल टैब में कन्वर्ट करना है, उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दो स्क्रीन दिखाऊंगा, एक स्क्रीन होगी कंप्यूटर के लिए और एक स्क्रीन होगी आपके मोबाइल डिवाइस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है वर्चुअल टैबलेट, इसको आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और ये जो सेकंड टैब है ये गूगल प्ले आपको दिख रहा होगा, इसे मैंने अपने कंप्यूटर में ओपन करा हुआ है, इसको आपको अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करना है और वहां पे सर्च करना है वर्चुअल टैबलेट लाइट। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में
डाउनलोड कर लेनी है। वर्चुअल टैबलेट की आपको दो एप्लीकेशन मिलेगी, एक पेड है और एक फ्री वर्जन है। जो लाइट वर्जन है वो फ्री वर्जन है, ठीक है दोस्तों। तो आपको लाइट वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, वो एकदम फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और आपको अपने कंप्यूटर में ये वर्चुअल टैबलेट की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। और देखिए डाउनलोड का जो पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है डाउनलोड वर्चुअल टैबलेट फॉर विंडोज स्टोर ऐप। अगर आप विंडोज 8 या विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, अगर आप एंड्रॉइड पे चलना चाहते हैं तो एंड्रॉइड के लिए भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल टैबलेट फॉर एंड्रॉइड फ्री वर्जन, ये फ्री वर्जन वाला है, लाइट वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये विंडोज के जो मोबाइल है या जो एंड्रॉइड के मोबाइल है उस पे होगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर टैबलेट्स एंड सर्वर एप्लीकेशन फॉर पीसी। तो ये आपको यूज करनी है विंडोज 7, 8 और 10 के लिए, ठीक है। तो विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 के लिए आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और विंडोज के अगर मोबाइल डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, विंडोज के टैबलेट अगर आप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड के मोबाइल डिवाइस, एंड्रॉइड के टैबलेट आप यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ आपको .NET का फ्रेमवर्क भी डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करा तो ये इस तरह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा वर्चुअल टैबलेट, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वर्चुअल टैबलेट यहाँ पे आ गया है, ये देखिए। इसको मैं ओपन करके बता दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन है जिसको आपको यहाँ से डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा और मोबाइल पे कैसा दिखाई देगा वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने इसे डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल करा हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ ये कैसा दिखाई देता है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये वर्चुअल टैबलेट सर्वर है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये सर्वर एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम पे रहेगी, और जो मोबाइल पे रहेगी वो क्लाइंट एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सर्वर एप्लीकेशन है। और अब जो मोबाइल पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे मोबाइल पे जो आइकन दिख रहा है ये क्लाइंट एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इस क्लाइंट एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। ये सर्वर एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, आपको अपने मोबाइल डिवाइस पे ये लाइट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए वाईफाई का सिंबल आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आपको जो आईपी एड्रेस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो आपको मोबाइल के अंदर इंसर्ट कर देना है और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले ऐड दिखाएगा, क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो यहाँ पे ऐड आता है, आपको ऐड को क्रॉस कर देना है। अब जैसे ही आपने ऐड को क्रॉस करा तो देखिए ये वर्चुअल टैबलेट जो है यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। ये जो मोबाइल पे है ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया है, इसे आप यहाँ पे इस तरह से अगर बंद कर देंगे कंप्यूटर स्क्रीन से, अगर इसको आप यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे तो यहाँ पे ये मिनिमाइज मोड में रन करता रहेगा, ठीक है। सर्वर इज रनिंग इन मिनिमाइज मोड यहाँ पे लिख के आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेरा स्टाइलस कैसे बनाया है और वो स्टाइलस यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ईपिक पेन जो मैंने आपको पहले एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, उस ईपिक पेन को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने ईपिक पेन को यहाँ पे ओपन कर लिया है, इसे मैं साइड कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और स्क्रीन दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको दिखाई देगा कि मैं अपने स्टाइलस और इस मोबाइल डिवाइस के थ्रू कैसे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से मैंने ईपिक पेन से ये पेंसिल को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये मेरा स्टाइलस है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। देख सकते हैं ये प्लास्टिक का पेन है जिसको यूज करके मैंने बनाया है। इसके ऊपर मैंने फॉइल को रैप करा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल डिवाइस है और ये मेरा पेन है, ठीक है। और मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है जो कि वर्चुअल टैबलेट मोड में है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ये वर्चुअल टैबलेट मोड के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे, अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो मोबाइल डिवाइस में भी सेव हो जाएगा। आप यहाँ से मोबाइल डिवाइस का क्लियर कैनवास कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कीप लेफ्ट बटन प्रेस, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको लेफ्ट बटन प्रेस करना पड़ता है माउस का, तो यहाँ पे आप इसको बाय डिफॉल्ट ऑन करके रखेंगे और राइट बटन को हाइड करने का जो ऑप्शन है उसे ऑफ करके रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखेंगे अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने स्क्रीन पे जो मेरा जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पे मैंने पेंसिल का यूज़ करा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मैंने पेंसिल का यूज़ करा हुआ है और अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ और आपको वही चीज़ वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगी जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का है तो अभी ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, इसे पिंक कलर का कर देता हूँ, ठीक है। और
इसको कंप्यूटर स्क्रीन से क्लियर करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट 7, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं वापस से आपको लिख के बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने लिखा है ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ठीक है। थोड़ा आपको पेन का जो निब है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा लिखने के लिए, और जो आपकी जो फिंगर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर जानी चाहिए, तो उसके लिए आपको इसको प्रॉपर टच करते रहना पड़ेगा ठीक है। ये देखिए कितना क्लियरली लिखा रहा है, कितना क्लियरली यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे प्रॉपर होल्ड करा हुआ है ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फ्लो हो तभी ये टच कर पाएगा, अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो वो नहीं प्रॉपर कर पाएगा। ये देखिए ठीक है, इसे क्लियर करना है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक बार वापस से देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है ठीक है। दोस्तों मैंने आपको अपने मोबाइल डिवाइस को ग्राफिक टैबलेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बता दिया है। तो दोस्तों ये घर पे ग्राफिक टैबलेट आप कैसे बना सकते हैं, स्टाइलस कैसे बना सकते हैं, उससे रिलेटेड ये छोटा सा ट्यूटोरियल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि वो भी अपने घर पे अपने मोबाइल डिवाइस को यूज़ करके, अपने एंड्रॉयड टैबलेट को यूज़ करके उन डिवाइस को ग्राफिकल टैबलेट में कन्वर्ट करें और ईजिली जो वो चाहते हैं वो लिख के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग पर भी शो कर सकते हैं। ईपिक पेन के थ्रू वो अपने मीटिंग में भी कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं अपने स्क्रीन के थ्रू, इस तरह से लिख के। आप नोटपैड अगर ओपन कर लेते हैं पीछे बैकग्राउंड में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड कर देते हैं तो और अच्छा दिखाई देगा। देखिए जैसे मैं आपको एक बार वापस से लिख के बता रहा हूँ, ये हमने क्या करा है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया। व्हाइट बैकग्राउंड आप एमएस वर्ड के थ्रू कर सकते हैं, नोटपैड के थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको बस थोड़ा सा बड़ा डिवाइस चाहिए रहेगा इसको लिखने के लिए, इसलिए मैंने बोला है कि आप अपने एंड्रॉयड टैबलेट का आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो स्क्रीन होती है वो बड़ी साइज में होती है, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी छोटी होती है ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख के बता दिया। यहाँ मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है, तो इस तरह से आप लिख के बता सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी आए और जो आपके वर्ड हैं वो स्मॉल आए, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप अपने घर पे ही ग्राफिक टैबलेट बना सकते हैं और उसको आप अपने क्लासेस में यूज कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स में यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मार्केट से स्टाइलस परचेस भी कर सकते हैं और उसका भी यूज कर सकते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए। ठीक है दोस्तों, लो बजट में आप अपने खुद के ग्राफिकल टैब को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे एट होम।